हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, जिसके कारण जो है मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए जो है, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नकुमट को कैसे रोस्ट करते हैं, इसका वीडियो आपको बना के बताऊं। तो आज मैंने वही कोशिश करी है। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं पूरा 100% कामयाब हो पाई हूँ या नहीं, लेकिन मैंने एक कोशिश करी है कि मैं नकुमट को रोस्ट करके आपको दिखाऊं कि नकुमट को हम कैसे रोस्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ते के छिलके थे, जैसा कि लोग कहते हैं, तो मैंने कहा चलो उसको भी हम डाल के देखते हैं, लेकिन सिर्फ उससे जो है हमारा अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। लेकिन मैंने एक ट्राई किया है, देखिए वो भी मैंने डाले हुए हैं पिस्ते और बादाम के छिलके, और उसके बाद मैंने जो है नॉन रोस्टेड नकुमट डाल रही हूँ मैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बड़ी लंबी वीडियो है, तो ये प्रोसेस तो देखिए बहुत स्लो है। आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को रोस्ट करना जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस तो धीरे धीरे, ये तो समझ लीजिए कि मेरी 8-10 घंटे की प्रोसेस थी, लेकिन ये मैं आपको 12 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो तब भी मैं काफ़ी छोटी वीडियो बना रही हूँ देखा जाए तो। तो देखिए, ये मैंने ऐसे ये नकुमट मैंने हाफ ये नॉन रोस्टेड नकुमट जो है ये इसमें लगा दिए हैं, और इसके नीचे मैंने जो है स्लेट पेंसिल के हमारे जो डब्बे थे, और इस तरह से थोड़ा बहुत कोयला और लकड़ी के टुकड़े, ये सब भी मैंने डाले हैं नीचे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ इससे जो है हमारा नकुमट जो है बेक्ड हो पाएगा अच्छे से, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें भी यूज़ करी हैं। ऊपर मैं जो है इसमें कंडे वगैरह भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से रोस्ट करना है, हर वो चीज़ यूज़ करूँगी जिससे ये रोस्ट हो जाए, और मैं पहली बार ही ये कर रही हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मैं पहले ही आपसे सॉरी मांग रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ये अच्छे से रोस्ट हुआ है। आप भी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो देखिए, ये अब हमारे पूरे नकुमट जितना भी मेरे को लेना था ले लिया, फिर मैंने इसके ऊपर से कवर करके फिर कंडे वगैरह ये सब लगा दिया है। और इसमें एक चीज़ को और हमें ध्यान देना है कि जो हमारी आग होती है वो चारों तरफ होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ नहीं। अगर एक तरफ होगी तो एक साइड के जो है वो रोस्ट हो जाएंगे, दूसरे साइड के जो है बिना रोस्ट हुए रह जाएंगे, और इसको में जब हम मतलब इसको रोस्ट करते हैं, उसमें जो है ये आग लगाई है, उसके बाद हमें इसको देखते भी रहना पड़ता है, ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि आप घर की छत पर लगा रहे हैं तब तो चलिए ठीक है कि थोड़ा सेफ़ रहता है, लेकिन अगर आप अपने घर की बालकनी में या कहीं ऐसी जगह कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी जो है ध्यान नहीं देंगे तो हमारे घर में भी आग लगने का खतरा रहता है। थोड़ी सी ये टफ़ प्रोसेस तो है, इसलिए हमें लगातार जो है ध्यान भी देना पड़ेगा कि इससे हमें कोई नुकसान ना हो इस प्रोसेस को करने से। आप सेफ़ तरीके से चाहें तो घर में अपने कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने लगा दिया, और मैं ये देखिए डब्बे इसलिए रख रही हूँ कि ये जो है आग जो है ये चारों तरफ लग जाए, और इसको हमें देखना भी पड़ता है। आप अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने पास पानी की एक बाल्टी और एक मग जो है ज़रूर रखिएगा, कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो हम उससे जो है थोड़ा सा वो सेफ़ रहता है अपने पास रखना। मैंने भी रखा हुआ है अपने पास, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, हमारी जो ये आग है ये धीरे धीरे पूरे चारों तरफ जो है लग जाएगी, जिससे वो चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो पाएंगे। ये देखिए, अभी तो धुआं निकल रहा है, लेकिन हमारे ये जो कागज़ चारों ओर हमने फैलाए, देखिए अब ये चारों तरफ जो है आपको ये जलता हुआ दिख रहा है, तो इससे ये अच्छे से हमारा पूरा जो है रोस्ट हो जाएगा, मतलब जितना भी हमने डाला है वो पूरा रोस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ आ गया तो आधा रोस्ट हो गया और आधा नहीं हुआ,
और ये स्लो प्रोसेस तो है, ये तो मैं देख रही हूँ, जानती भी हूँ कि स्लो प्रोसेस है। शायद आपको बोरियत भी महसूस हो रही हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल जो है न्यू जनरेशन है, तो उनको यही नहीं पता है कि कैसे आग मतलब लगाते हैं, या कैसे, क्योंकि चूल्हा वगैरह तो जलाता नहीं कोई, आजकल सब गैस यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये सारी प्रोसेस जो है पता भी नहीं होगी। इसलिए भी मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया है, नहीं तो मैं इसको जल्दी जल्दी करके निकाल देती, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि कैसे ये बर्न हो रहा है, पूरा बर्निंग प्रोसेस क्या है, ये देखना भी ज़रूरी है। और जब ऐसे, जब तक मतलब ये लपटे निकल रही हैं, तब तक आपको आसपास रहना भी चाहिए। फिर धीरे धीरे लपटे बंद हो जाती हैं, और जो ऐश होती है हमारी, या जो राख होती है वो गर्म होती है, तो उसमें ही वो अंदर अंदर जो है रोस्ट होती रहती हैं। तो मतलब अगर आप ये रात में ये प्रोसेस करिए, तो उसके बाद मॉर्निंग में आप इसको जो है निकालिए। रात में ही आपको निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही अपना धीरे धीरे होता रहेगा, और आप मॉर्निंग में जब उसको निकालेंगे तो आपको रोस्ट किया हुआ नकुमट मिलेगा। तो ये पूरी मेरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। और क्या आप भी ऐसा करोगे ये भी मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैं ये वीडियो बना नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में तो था कि मुझे बनाना है। देखिए, अब ये जो है हमारा रोस्ट हो गया है, रोस्ट होने के बाद की प्रोसेस है, कि रोस्ट होने के बाद ये देखिए हमारे नकुमठ जो है कैसे निकले हैं। ये देखिए, ये जो है हमें धीरे धीरे जो है पूरा जो वो ऐश हो गई है, उस ऐश में से जो है हमें छाट के ये पूरे नकुमठ निकालने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें हाफ रोस्टेड भी आप कह सकते हो है, और फुल रोस्टेड भी है, क्योंकि जो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं वो पूरे ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, जो अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हुए हैं वो आपको वाइट वाइट से दिख रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हम उसमें से जो है पूरा नकुमट जो है सेपरेट कर लेंगे ऐश में से, और फिर जो है हमें ये रोस्टेड नकुमट जो है देखिए इस तरह से मिल गया है। तो थोड़ी कठिन प्रोसेस तो है, लेकिन हाँ ये कि अगर आप में क्यूरियसिटी है, या आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोसेस को जो है घर में करके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा करने में। और अपने आप जो, अगर हम खुद अपने आप कुछ करते हैं, तो हमें खुशी तो होती है कि हम ये काम कर सकते हैं, ख़ास तौर से जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हमारे नकुमट ये निकलते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते देखिए, अब धीरे धीरे जो ये हमारी क्वांटिटी, धीरे धीरे जो है देखिए ये पूरा सेपरेट हो जाएंगे ऐश में से नकुमट, और आपको जो है ये रोस्टेड नकुमट जो है दिख रहे होंगे मेरी इस प्लेट में। तो एक कोशिश है मेरी कि मैं घर में करके देखूं कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता, और आपको भी लग रहा होगा देख के कि ये प्रोसेस जो है मैंने सफलतापूर्वक पूरी की है। तो मैं फिर यही कहूँगी, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि कैसा हो पाया, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप बुरे कमेंट्स लिखेंगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा, अच्छे लिखेंगे तो तब भी अच्छा लगेगा। बट प्लीज़ कुछ ना कुछ लिखिएगा ज़रूर, मैंने अगर इतना प्रयास किया है, इतनी कोशिश करी है, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे दिखने में भी काफ़ी क्रंची से लग रहे हैं, अर्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। ये पूरा हमारा जो है रोस्टेड नकुमट है, देखिए आप, इसमें कुछ पीसेस हाफ रोस्टेड के भी हैं। ये पूरा रोस्टेड नकुमट है हमारा, और मैं आपको दो तीन पीसेस क्रंच करके दिखाती हूँ। मैं इसको पहले ही निकाल लेती हूँ, ये मैं पहले ही निकाल लेती हूँ इनको, उसके बाद मैं इनको क्रंच करके दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत अर्दी हैं, बहुत क्रंची हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर लिखिए, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए जो है आइडियाज़ मिलते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।